time saver and a very effective product, and best part is that it maintains hygiene. So let's start the video. आज का प्रोडक्ट है ये स्टीमर, और ये स्टीमर कम वार्मर दोनों है, और इसका प्रोडक्ट, इसके जितने भी एसेसरीज है वो देख लीजिए आप। इस प्रोडक्ट को आप पूरे 6 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका स्टीमर भी काम करता है, ये आपका वार्मर काम करता है, ये आपका स्टरलाइजर काम करता है, ये आपका एग बॉयलर की तरह काम करता है, ये आपका जो सिट्रस जूस है उसको निकालने के लिए काम करता है, तो ये इसका हीटर है, ठीक है। इसके जितने पार्ट्स हैं वो यहाँ पे सामने दे रखे हैं, और इसमें मतलब अलग अलग मोड का अलग अलग पॉइंट है, आप उस पर जाके उसको टर्न कर दीजिए तो अपने आप ही वो ऑटोमेटिक उस पॉइंट पे सेट हो जाता है और अपने आप ऑटो कट हो जाता है। तो ये इसका हीटर है, यहाँ पे आप पानी डालते हैं, है ना, और पानी की क्वांटिटी बहुत ही कम इसमें लगती है। और जो इसका ये हीटर है ये स्टेनलेस स्टील का है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल है लॉन्ग टाइम के लिए, और ये एग बॉयलर की तरह भी काम करता है। मैं ये आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, देखो ये कैसे इस पॉइंट पे आपको काम करता है, और 8 मिनट में इसकी पूरी साइकिल हो जाती है, ठीक है। ये स्टीमर की तरह भी काम करता है। मैंने अपने बच्चे का जितने भी, जब वो 6 मंथ का था, तो जितने भी वेजीज मैं उसको देती थी, तो मैं इसी में स्टीम करके फिर उसे ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसे खिलाती थी, है ना। और इन केस कभी खाना ठंडा हो जाए और आपको माइक्रोवेव में नहीं गर्म करना है, जैसे फ्रूट्स वगैरह भी नहीं कर सकते हो, तो इसको हल्का वार्म करने के लिए आप इसमें डाल दीजिए, और ये ईज़िली वार्म हो जाता है। और बॉटल, जो दूध की बॉटल होती है, जैसे दूध कभी ठंडा हो गया तो उसे फिर से बॉयल नहीं करना है, और क्योंकि बॉयल करने से ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो हल्का सा इसमें रख लीजिए तो वो वार्म हो जाता है। और इसमें बॉटल्स पूरी 6 एक साथ आ सकती हैं, और जो मैंने अपनी बॉटल्स में यूज़ की थी वो मेरी 360 की बॉटल है, 360 ml की बॉटल है, तो बहुत ही मतलब 6 बॉटलें एक साथ, उसकी एसेसरीज रबर और उसका जो भी कैप होती है वो सब एक साथ आप इसमें स्टरलाइज कर सकते हो। तो मैं आपके सामने अभी एक डेमो दे देती हूँ। तो मैंने इस पर पानी अभी फिल कर लिया है, ठीक है। आप इसे इजीली वॉश भी कर सकते हो उसके हीटर को, जब भी आपका यूज़ हो जाए उसके बाद, और इसमें पानी फिल करके मैं इसे वार्मर या स्टीमर के उसमें रख लेती हूँ मोड पे। तो देखिए मैंने इसमें नाशपाती रखी है, और हालांकि मेरा बेबी बड़ा हो चुका है, वो ये मैश नहीं खाता है, बट मैं बस आपको डेमो देने के लिए ये कर रही हूँ। तो और ये ऑटो कट हो जाता है ना, आप जिस भी पॉइंट पर इसको सेट करोगे ये अपने आप ही उसका टेम्परेचर लेकर के अपने आप ऑटो कट हो जाएगा, और जब ये ऑटो कट होता है तो एक रिंग बेल का साइन देता है, रिंग बजती है इसमें, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी अपने लिए यूज़ कर सकते हो। इनकेस अगर आप मतलब जितने मम्मीज़ या डैडीज़ हैं वो भी अगर अपना स्टीमर ऐसे कोई चाहते हैं जिसमें अपने वेजीज़ वगैरह, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ बॉयल या स्टीम खाना पसंद होता है, तो आप भी इसे अपने लिए यूज़ कर सकते हो। मैं इसे हालांकि अब अपने लिए ही यूज़ करती हूँ। और ये प्रोडक्ट आपका BPA फ्री और 99.9% बैक्टीरिया किल होने का क्रीम करता है, तो जो कि बहुत अच्छा है। सभी को ऐसा चाहिए कि उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जो कि BPA फ्री हो। और तो ये सबसे अच्छा मेथड है कि इसमें स्टीम के ज़रिए आपका स्टरलाइज होता है बॉटल्स, है ना, और इफ़िशेंटली और वेरी क्विक 8 मिनट के अंदर आपका ये स्टरलाइज हो जाता है। तो इसमें हम जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, ये नींबू, ऑरेंज, लेमन ऑरेंज, कीनो, उन सब का आप इसमें, मौसमी जो भी होती है उन सब का आप इसमें जूस निकाल सकते हैं। और इसका जो मटेरियल है इट्स वेरी गुड, यू नो, मार्केट में कई तरीके ऐसे मिलते हैं जो है इसी तरह के होते हैं, लेकिन उनका प्लास्टिक क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है, बट इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और मैं बस ये, दिस प्रोडक्ट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर माई साइड। इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस प्रोडक्ट सो प्लीज़ गो हैड, इट्स वेरी यूजफुल एंड वेरी कन्वीनियंट एंड ऑल्सो टाइम सेवियर प्रोडक्ट। और मैं आगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट आपके लिए जरूर शेयर करूँगी, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।